संगीत शिक्षकों की पात्रता परीक्षा ली गई है, न उनका बहाली हो रहा है। सरकार से पूछना चाहता हूं कि संगीत पात्रता परीक्षा में जो पास किए 10 वर्ष पूर्व, उनकी बहाली कब होगी और पुनः संगीत पात्रता परीक्षा सरकार कब लेगी? हमने कहा कि छठे चरण में भी कर रहे हैं, सातवें चरण में भी करेंगे। हमें मलाल है कि हम चाह कर भी नहीं कर पा रहे। फिर से जो न्यायिक हस्तक्षेप हुआ है, कोर्ट ने कहीं से भी ये नहीं कहा कि इस पे स्टे लगा हुआ है, कोर्ट ये नहीं कह रहा है। 19 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इसमें मौका दीजिए, ये स्पष्ट कहा है। पूरक। अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि संगीत की उत्पत्ति शंकर के डमरू से हुई है और पात्रता परीक्षा संगीत की जो 10 साल पहले ली गई और उसके बाद न संगीत शिक्षकों की पात्रता परीक्षा ली गई है, न उनका बहाली हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि संगीत पात्रता परीक्षा में जो पास किए 10 वर्ष पूर्व, उनकी बहाली कब होगी और पुनः संगीत पात्रता परीक्षा सरकार कब लेगी? मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, मैंने उत्तर में कहा है कि संगीत शिक्षकों की बहाली जो छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है उसके तहत की जा रही है और ये बहाली हो जाती है। और संगीत शिक्षक अगर जितने अभी पिछले एसटीईटी से जो पास हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे या सातवें चरण फिर तुरंत प्रस्तावित है, सातवें चरण के बाद हम लोग फिर से नई पात्रता परीक्षा ले लेंगे। संगीत ऐसे महत्वपूर्ण विषय को सकारात्मक जवाब दिए हैं, छठे और सातवें चरण में, और पुनः दोबारा कब पात्रता परीक्षा होगी? अध्यक्ष महोदय, इसका भी माननीय मंत्री जी जवाब दे दे। महोदय, हमने कहा कि छठे चरण में भी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, हमने ये थोड़े कहा कि सातवें चरण में करेंगे। हमने कहा कि छठे चरण में भी कर रहे हैं, सातवें चरण में भी करेंगे। पिछला जो एसटीईटी हुआ है उसमें लगभग 759 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, उनके नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। हमने तो ये कहा है कि अभी सातवें चरण की जो नियुक्तियां हैं वो प्रस्तावित हैं, उनके लिए निर्धारित है। ये अगर संगीत शिक्षक की रिक्ति बचेगी हम जरूर परीक्षा लेंगे। हम तो बता रहे हैं परीक्षा लिए हैं, 759 जो उत्तीर्ण है उन्हीं का अभी नहीं हो पाया है जो हम छठे और सातवें चरण में कर रहे हैं। मंत्री जी के जवाब से अंतिम है, एक को तो पहला बार जीवन में अबे किया है हुजूर। हाँ बोलिए। मेरा कहना है कि 6 चरण या 7 चरण जो भी पास किए उन सबों का कब तक, ये अब जो प्रक्रिया है उसमें पूरे छात्रों का जो कंप्लीट कर गया संगीत पात्रता परीक्षा उसका नियोजन हो जाएगा कि नहीं? माननीय मंत्री जी, संगीत से बड़ा प्रेम है। महोदय, इसमें हम माननीय सदस्य को और सारे सदन को बताना चाहते हैं कि सरकार तो बचौल जी के भावना से न सिर्फ सहमत है बल्कि उस दिशा में हम तत्पर हैं। हम ये आपको बता रहे हैं कि हमने छठे चरण में, और आप ये समझ लीजिए कि जिस एसटीईटी संगीत परीक्षा को दोबारा या फिर से अगला आयोजित करने की बात आप कर रहे हैं, अभी जो परीक्षा हमने ली है हमने आपको संख्या बता दी है कि उसमें 759 उत्तीर्ण अभ्यर्थी अभी प्रतीक्षा में है। और छठे चरण की महोदय जो हम नियुक्ति कर रहे थे, बल्कि सच पूछते हैं तो हमें मलाल है कि हम चाह कर भी नहीं कर पा रहे। फिर से जो न्यायिक हस्तक्षेप हुआ है कि फिर से जो लोग पात्रता नहीं रखते थे, एक न्यायिक आदेश आ गया है कि हम उनको भी शामिल करावे। और महोदय,
उनको छठे चरण में शामिल कराने का सीधा अर्थ यही होगा कि हम फिर से सारे विज्ञापन को रद्द करके फिर से पद विज्ञापित करें और फिर से ले। इसलिए सरकार ने अपनी ईमानदारी के तहत जो न्यायिक आदेश आया है, हम माननीय उच्च न्यायालय से हम सिविल रिव्यू पिटीशन ने दायर किया है कि भाई हमको नियुक्तियां करने दीजिए। आप जिनको भी कह रहे हैं पात्रता देने के लिए, हम पात्रता दे देंगे और अगले समय में पात्रता देने में अगर उम्र सीमा की बाधा आएगी तो हम उसको भी शांत कर देंगे। लेकिन अभी जो नियुक्ति है, जो बचौल जी की जो भावना है या उनकी जो व्यथा है कि रिक्त पड़े हैं, जो योग्य अभ्यर्थी का मतलब पढ़ा नहीं पा रहे हैं, संगीत की शिक्षा बाधित हो रही है, तो सरकार तो खुद तत्पर है महोदय। और हम लोगों ने न्यायालय से इजाजत मांगी है कि आप हमको छठे चरण की नियुक्ति में आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आपके हिसाब से अगर दूसरों की भी पात्रता बनती है तो उनको जरूरत पड़ेगा तो हम उम्र शांत करके भी अगले चरण में उनको मौका दे देंगे। ठीक, छठे चरण की बहाली रुकी हुई है लेकिन कोर्ट ने कहीं से भी ये नहीं कहा कि इस पे स्टे लगा हुआ है। कोर्ट ये नहीं कह रहा है, कोर्ट कह रहा है कि सरकार और विभाग इस पर निर्णय ले। तो अगर सरकार को नहीं लेना है, जिन अतिरिक्त कैंडिडेट्स की बात हो रही है, तो डायरेक्ट बहाली हो सकती है। कोर्ट का स्टे कहीं से नहीं है। पूरक क्या है आपका? पूरक है महोदय कि 2011 में जो स्टेट क्वालिफाई किए हुए हैं और आज 2022 चल रहा है, इन अभ्यर्थियों को छठे चरण की तत्काल नियुक्ति सरकार कब तक करेगी, क्योंकि कोर्ट का स्टे नहीं है, और सातवें चरण की नियुक्ति कब शुरू की जाएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से अब तक 3 साल से ये लोग वेटिंग में है सातवें चरण के लिए। सरकार की तरफ से कई एक बार कहा गया है कि मार्च में आएगा, जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, वो डेट बढ़ता जा रहा है। माननीय मंत्री जी, महोदय, माननीय सदस्य ने शायद हमने जो कहा ठीक से सुना नहीं। हमने कहीं नहीं कहा है कि कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। हमारे शब्दों पर आपने ध्यान नहीं दिया। हमने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप हुआ है। और आप बताइए कि कोर्ट ने कहा है कि जो विज्ञापन आपने निकाला है उसमें 2017-19 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इसमें मौका दीजिए, यह स्पष्ट कहा है। जो हम लोगों के विज्ञापन के हिसाब से वो उसमें पात्रता नहीं रखते थे, और उसने कहा कि इनको छठे चरण में ही मौका दीजिए और इसमें आप आगे की कार्रवाई करिए। अब आप बताइए, उसी के लिए तो हमने उतनी बातें कही, उसको बता दिया विस्तार से। जो कोर्ट की बात मानने का मतलब है, एक विज्ञापन हमने निकाला, उसके हिसाब से जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन डाला, हमने नियोजन इकाई वार उनकी मेधा सूची तैयार करके रखी है। हम 15 दिन में सबको नियुक्ति पत्र देने वाले थे, तिथियों की घोषणा हमने कर रखी थी। अब उस बीच में न्यायालय ने कहा है कि इनको भी शामिल करिए। शामिल करने का क्या मतलब है कि हम वो सब रद्द करें? वही तो हमने शुरू में कहा कि हम फिर से विज्ञापित करें, फिर से वो आवेदन डालेंगे, फिर से नियोजन इकाई वार मेधा सूची बनेगी। वही तो हम कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा है, जिस ढंग से हस्तक्षेप किया है, उसके निहितार्थ ये सब है। उन्होंने स्थगित माने शब्द नहीं कहा है, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है वो स्थगित से भी ज्यादा गहरे अर्थ वाला है। ठीक,